ये बात करते हैं गांवों की सरकार के चुनाव की। तो आपको बता दें, कोटा, बारा, करौली और श्री गंगानगर जिलों में चुनाव है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव है। दूसरे चरण के चुनाव का कल होगा मतदान। आज रवाना हो रही है पोलिंग पार्टियां। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था माकूल रहे, इसको लेकर के कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि चुनौती इस बार कोरोना का नया वेरियंट भी है जो लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो ऐसे में ये भी बड़ी चुनौती होगी। तो गांवों की सरकार का चुनाव होना है। मतदान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का पर्व होता है जिस दिन मतदान होता है। तो अब ऐसे में कोटा, बारा, करौली और श्री गंगानगर जिले में चुनाव है। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव होंगे और दूसरे चरण के चुनाव का मतदान कल होगा। आज पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा और साथ ही रवाना हो रही है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही है, प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है, क्या अहम दिशा निर्देश? भंवर, आवाज आ रही है आपको? चलिए भंवर से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पर बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, गांव की सरकार का चुनाव होना है और कोटा, बारा, करौली और श्री गंगानगर, ये चार जिले हैं जिनमें चुनाव होगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव है। दूसरे चरण के चुनाव का कल मतदान होगा। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। अभी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्री गंगानगर से सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, श्री गंगानगर में कितनी कड़ी व्यवस्था सुरक्षा को देखते हुए, कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए की गई है? बिल्कुल, आपको बता दूं, एक चरण का चुनाव अभी समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव 15 तारीख को होने वाला है। इसी को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, जिला प्रशासन ने चाक चौबंद कर रखी है। हालांकि जिस तरीके कोरोना का नया वेरिएंट आया है, इसको लेकर प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और ये हिदायत दी गई है चुनावी पार्टियों को और पुलिस प्रशासन को कि थोड़े गैप बना के, कम से कम 2 फीट का 3 फीट का गैप बनाकर और चुनाव मतदान में लाइन लगाई जाए, उसके बाद ही मतदाताओं को वोट डालने दिया जाए। और जहाँ पे भीड़ इकट्ठी करने की बात है, जिस तरीके से पहले पंचायत चुनाव में अच्छी खासी भीड़ हो जाती थी, तो इस बार है जो भीड़ वहाँ पे 5 लोगों से ज्यादा लोग एक मतदान केंद्र के बाहर खड़े नहीं हो सकते और वो भी थोड़ी दूरी बनाकर। तो इस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं जो अभी प्रशासन ने की है और जो अभी कल जो मतदान हुआ है उसी में इस तरीके की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो भी देखी गई। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अभी इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भंवर कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे, कोटा की क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्या पोलिंग पार्टियों के जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है? देखिए, अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन 9 बजे से ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में कोटा में 3 पंचायत समितियों में वोटिंग होने जा रही है कल, लाडपुरा, सांगूद और खैराबाद। खैराबाद के लिए जो मतदान दल है वो सवेरे 9 बजे से ही रवानगी लेना शुरू कर लेंगे और लाडपुरा और सांगूद के लिए रवानगी का समय 11:30 बजे रखा गया है। तीसरे चरण में कोटा में करीब करीब 3,63,000 वोटर जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे बड़ी पंचायत कोटा में खैराबाद है। खैराबाद में 22 वार्डे पंचायत समिति के, जबकि 5 वार्डे जिला परिषद के, और इसके लिए 193 मतदाता बूथों का गठन किया गया है और करीब 1.5 लाख वोटर खैराबाद में रहेंगे। वहीं अगर लाडपुरा की बात करें तो यहां पर पंचायत समिति के 15 सदस्यों के लिए और जिला परिषद के 4 सदस्यों के लिए कल वोटिंग होने जा रही है। इसके लिए 105 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर करीब 84,906 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सांगोद की बात करें तो यहाँ पर कुल 19 वार्ड पंचायत समिति मेंबर्स के रहेंगे, जबकि 5 जिला परिषद मेंबर्स के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी और इसके लिए करीब 1.25 लाख मतदाताओं के लिए यहाँ पर भी 158 मतदाता बूथों का गठन किया गया है। तो कोटा में कुल मिलाकर के करीब करीब 1,63,000 मतदाता आयुषी कल एक ही दिन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और पंचायत चुनाव में कल का जो वोटिंग डे है वो दूसरा और आखिरी चरण होगा
और इसके लिए जिला परिषद के 13 वार्डों के अलावा कुल मिलाकर के पंचायत समिति जो है 3 पंचायत समितियों में वहाँ डायरेक्टर। चलिए बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब मनोज जैन हमारे सहयोगी करौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे करौली की किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, कितने वोटर्स है जो कल अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, प्रथम चरण का मतदान करौली जिले में हो चुका है और द्वितीय चरण का मतदान कल होगा, जिसके लिए आज मतदान पार्टियों को राजकीय पीजी कॉलेज से रवाना किया जाएगा। पीजी कॉलेज में मतदान कर्मियों का अंतिम प्रशिक्षण होगा, जहां पर कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी कर्मचारियों को संदेश देंगे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का। कल जो मतदान होगा वो करौली, हिंडौन और श्री महावीर जी पंचायत समिति में होगा। जिला परिषद सदस्य और इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। करीब 2 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें तीनों पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। जी मनोज, अब ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था भी माकूल रहे और साथ ही कोरोना के नए वेरियंट से भी सभी को बचाया जाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। करौली के अलावा समीपवर्ती जिलों धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर से पुलिस जाब्ता बुलाया गया है। 3 कंपनी आरएसी की बुलाई गई हैं। इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पर सशस्त्र पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल पार्टियां और पुलिस पार्टियां लगातार गश्त पर रहेंगी। कलेक्टर एसपी दोनों का दावा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना कहीं से मिलने पर 5 मिनट के अंदर वहां अतिरिक्त पुलिस बल और अतिरिक्त सहायता पहुंचाई जाएगी। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो कल कोटा, बारा, करौली और श्री गंगानगर जिलों में चुनाव होंगे और वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हंसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बारा से। हंसपाल, बारा की क्या तस्वीरें नजर आ रही है? आयुष, मैं बता दूं, बारा जिले में तीसरे चरण के चुनाव हैं। जिला परिषद की 14 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। चुनाव को लेकर बारा में के साथ साथ अंतर पंचायत समिति और इसके अलावा मांगड़ पंचायत समिति में ये चुनाव होने हैं और इसके लिए आज मतदान दलों का प्रशिक्षण है। उसके बाद 12 से मतदान दल रवाना होंगे। उसके बाद कल जो सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होंगे। मतदान के जो दूसरे चरण में पंचायत समिति सदस्य के लिए 120 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार तीनों पंचायत समिति में कुल 2,04,792 मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे। इसमें करीब 1,05,000 पुरुष मतदाता हैं, 98,000 महिला मतदाता। चलिए हंसपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।